यहाँ पे नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। व्हाट्स योर नेम? आकाश। शो योर फेस। एक भाई मिले हैं, वीडियो में आना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? स्पाइसी नहीं, लोकल शॉप में यही होता है, स्पाइसी मिल जाता है। 60 रुपीज स्क्वायर पीस है, तो कुछ तो राहत मिला। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। मैं राजपाल कुमार कर रहा हूँ ऑल इंडिया ट्रेवल बाय साइकिल, और साइकिल से ट्रेवलिंग करते हुए आज मेरा जो है डे 54 हो चुका है, 54 दिन। और रामेश्वरम मैं जा रहा हूँ, ये हमारा साइकिल था, इस वाले पेट्रोल पंप पे मैं रुका हुआ था। रात में आपने देखा उस वाले बड़ा वाला जो पेट्रोल पंप, वहाँ पर गया तो व्यवस्था नहीं मिला तो नहीं रुका, फिर कुछ किलोमीटर आ गया है, खाने के लिए प्रॉब्लम। कल तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन आज के राइड को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं आगे क्या डिसाइड करना है। तो जय श्री राम का नाम लेते हैं और अपने राइड को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है दोस्तों, चलिए। और यहाँ पे समय हो चुका है 7:49, मतलब 8 बजने वाला है। और मौसम देख सकते हैं यहाँ का, सवेरे सवेरे कुछ ठंडा वाला माहौल कर दिया है तमिलनाडु में। ऐसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा वाला समय अभी कर दिया है। और मीटर का रीडिंग मैं आपको बहुत दिन से नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए इस मीटर में 2,365 किलोमीटर हो चुका है, और जो शाम में जो पहुँचेंगे वो मैं दिखाऊंगा। और दोस्तों कल मैंने 100 किलोमीटर से ज़्यादा राइडिंग कर लिया, लेकिन मीटर में 109 किलोमीटर ही, मतलब डिस्टेंस 109 किलोमीटर ही दिखाया। और मैं जहाँ जहाँ रुकता हूँ वहाँ का लास्ट लोकेशन ज़रूर से दे देता हूँ, ताकि मुझे भी भविष्य में याद रहे, ठीक है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, चलिए चलते हैं। रामेश्वरम का जो डिस्टेंस है यहाँ से बचा है 259 किलोमीटर, और रास्तों में तो हम चल ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं दोस्तों। ज़िंदगी क्या चीज़ है दोस्तों, ये सब चीज़ ट्रेवल करने से आपको समझ में आता है। लाइफ में एक बार ट्रेवल ज़रूर करना चाहिए, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो एक बार ट्रेवल करके देखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सोल्यूशन लगने लगेगा, इसलिए ट्रेवल ज़रूर करना चाहिए लाइफ में। चलिए सुबह सुबह का माहौल है, राइडिंग करते हैं, चाय पानी रास्ता में मिलेगा तो वो कर लेंगे, अभी तो मिला नहीं है, ठीक है। हो गया 8:25, यहाँ पे एक चाय का दुकान मिला था तो लेमन टी लिए हैं, और यहाँ पे है मेरा बचा हुआ बिस्किट, तो खाते पीते हैं उसके बाद राइड को कंटिन्यू रखेंगे। आज अभी हम पार कर रहे हैं कोलिंगम रिवर, ये तमिलनाडु में है और नदी तो अभी सूखा हुआ है, इसके ब्रिज पे है ये देखिए, और ये नदी है और उसका ये ओवरब्रिज है, इस पर चल रहे हैं। कोलिंगम रिवर नाम है रामेश्वरम, यहाँ से जो रामेश्वरम का डिस्टेंस है 235 किलोमीटर बचा है और ये रिवर मिला है।
तमिलनाडु में पानी बड़ा मुश्किल है भाई मिलना, नदी सूखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ गया में एक जो फल्गुनी भर है वही सूखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे नदी हैं भारत में जो कि सूखी हुई। चलिए इसे पार करते हैं, बहुत लंबी पुल है। चलते चलते फिर से एक नदी मिल गई और इस नदी का नाम है कावेरी नदी। जी हाँ, कावेरी नदी है ये, और इस नदी में थोड़ा सा पानी है, बाकी ये है पुल और इधर है नदी। देख सकते हैं नदी में थोड़ा सा पानी है इस वाले में, कावेरी नदी। चलिए पार करते हैं, नीचे उतरने का जगह तो नहीं है, नहीं तो नीचे जरूर जाते हैं। बहुत लंबा जाम मिल गया यार, साइकिल को भी शायद फंसना पड़ जाएगा, पता नहीं। बहुत लंबा जाम है। तो अभी वहां से चलने के बाद मैं गया था एक होटल में खाना खाने, मतलब नाश्ता करने के लिए। पता है कितना महंगा दिया हुआ, ये 90 रुपया का बिल बन गया। मैंने सोचा था 20-30 रुपये का होगा। ये दो पूरी खिलाया और दो बड़ा खाया छोटा छोटा, बस उतना का 90 रुपया हो गया, कुछ हुआ भी नहीं। बहुत महंगाई है इधर। सवेरे जो चाय पिया था उसका लग गया था सीधे 15 रुपये लिया चाय का, नींबू चाय का जो आपको दिखाए थे। बहुत महंगा सिटी है यार यहाँ पे, तो खाने पीने का चीज़ इतना महंगा रहता है क्या। चलो सवेरे से अभी तक में 115 रुपया खर्चा हो चुका है और कुछ हुआ भी नहीं। चलिए चलते रहते हैं क्या। गाइज मैं चल रहा था, रास्ते में एक भैया मिल गए। व्हाट्स योर नेम? आकाश। आकाश वेयर आर यू फ्रॉम? मदुरई। मदुरई मीनाक्षी टेम्पल? मीनाक्षी टेम्पल। ओके, आई आल्सो वांट टू गो देयर एंड विजिट। हां, यू कैन कम। वंस यू आर कमिंग यू कैन टेल अस, लेट अस नो। ओके, तो भैया ने हेल्प किया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गो सेफ। ओके, व्हाट्स योर नेम? कवि कृष्णा। सो योर फेस, कवि कृष्णा। यू आर फ्रॉम, यू आर ब्रदर एंड सिस्टर? नेफ्यू। ओके ओके ओके, सो नाइस टू मीट यू, थैंक यू फॉर हेल्प। ओके, थैंक यू, एंजॉय, गो सेफ। ओके, ठीक है गाइस, तो इसी प्रकार से आगे चलते रहते हैं। रामेश्वरम यहाँ से 225 किलोमीटर और बचा है, तो चलते हैं आगे और नाश्ता वगैरह भी करना होगा जो भी देखेंगे। तो दोस्तों समय हो चुका है पूरे 1:51 और यहाँ पे मैं खाना खाने के लिए रुका हूँ, क्योंकि हर जगह पे मिलता नहीं। तो 100 रुपये प्लेट यहाँ पे मिला है भोजन, और ये खाना मैं आपको दिखा देता हूँ, खा रहा हूँ अभी। वैसे तो स्पाइसी नहीं है, लोकल शॉप में यही होता है कि स्पाइसी मिल जाता है जो प्रॉब्लम कर देता है। यहाँ पर स्पाइसी नहीं मिला तो खा रहा हूँ, खाना आपको दिखा देते हैं। तो ये है आज का कुछ दोपहर का भोजन। सवेरे तो 90 रुपया लगा भी था, फालतू चीज़ खा लिए थे, लेकिन अभी सही है, देख सकते हैं। ये सब खाना है, साग है, कुछ दाल है, कुछ चटनी है, कुछ पापड़ है, और वो कुछ मीठा है 100 रुपये में, अच्छा है, तो खाते पीते हैं। तो दोस्तों समय हो चुका है 3:12, वही एक खाना खाने के बाद एक जगह पे रुका, वहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा सूखने के लिए दिया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। पूरा तो नहीं सूखा लेकिन काम चलने लायक हो गया है, और अब मैं चल रहा हूँ रामेश्वरम की ओर, वहाँ ही तो जा रहे हैं। और ये इस तरह का कुछ खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए अब मिल रहा है, शाम का समय हो गया है, देखिए, और इस नज़ारे का आनंद लीजिए।
चल रहा था रास्ते में, एक भाई मिले हैं, वीडियो में आना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? नेम, योर नेम? माय नेम इज आवर शिव वर्दीराज। ओह, वेयर आर यू फ्रॉम? पुदुकोट्टई। ओके, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस, यहाँ पे नजारा बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। ये पहाड़ वाला सुंदर व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। समय हो चुका है 3:35। यहाँ पे रुका था कुछ थंबनेल लेने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों। कंटेंट बनाने में, बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए दोस्तों समय लगता है, और अच्छा कैमरा, अच्छा माइक्रोफोन, सही समय, सही गियर, जो कैमरा वगैरह होता है गोप्रो वगैरह, और 360 कैमरा, जिससे आप बढ़िया ब्लॉगर का जो वीडियोस देखते हैं वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जो छोटा कैमरा होता है 50,000 का होता है, उसका एक एक सामान 5-5, 6-6 हज़ार का माइक्रोफोन होता है, जिस वजह से कंटेंट बढ़िया होता है। मेरे पास सिर्फ फ़ोन है, फ़ोन से ही मैं बनाता हूँ। अगर आप लोगों का साथ रहा, चैनल मोनिटाइज हुआ, कुछ हुआ, तो जो जो मैंने सोचा है, जो जो करने के लिए सोचा है, आगे चल के आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं इतना अच्छा अच्छा, जो मैं सिर्फ फ़ोन से ही शूट करता हूँ, फ़ोन से ही एडिट करता हूँ, बनाता हूँ, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखेंगे तो अच्छा और बहुत बढ़िया सुंदर कंटेंट भी देखने के लिए भविष्य में मिलेगा। एक्चुअली साइकिल से ट्रेवल करते समय वीडियो फ़ोन से शूट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि जिस समय साइकिल चला रहा होता है, एक हाथ से आप हैंडल पकड़ेंगे, एक हाथ से फ़ोन से शूट करेंगे, तो एंगल भी उतना अच्छा नहीं आएगा, और फ़ोन अगर गिरा तो एक ही फ़ोन है वो भी गया, तो भी काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बजट ट्रेवलर हैं, इस वजह से ये नहीं होता है। बाकी आप स्टोरी देखिए, अगर मेरे जगह आप होते तो क्या आप ये कर पाते, ये सब स्टोरी आप देखिए और फील कीजिए कि क्या होता है बिना पैसे के चलना, किसी और से पैसा मांग के काम चलाना, खाना खाना, रहने के लिए हर वक्त जगह देखना। यही बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आपको, आपके पास जो भी है वो बहुत है, किसी के पास वो भी नहीं है, उस चीज़ के लिए भी लोग तरस जाता है, खाना के लिए, पानी के लिए, सोने के लिए, ये सब चीज़ भी अगर आपको सिर्फ मिल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है, तो भी आपका जीवन बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है, ये चीज़ मुझे महसूस हुआ। मैं एक्चुअली इन सब चीज़ों को सीखने के लिए ही, लर्न करने के लिए ही ट्रेवल कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। जब मेरा ये भारत यात्रा पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ कुछ नया स्टोरी शेयर करूँगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस नज़ारों का आनंद लीजिए और फिर चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर। शाम होने लगा है और फिर से सोने का जगह, रहने का जगह ढूंढना होगा मुझे। ठीक है गाइस, शाम के 5:11 हुआ है और पता है गाइस बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, क्योंकि इतना समय होते ही एक बार पूछा और जगह मिल गया रहने के लिए। यहाँ पे जगह है, यहाँ पे टेंट लगा लेंगे, यही जगह है, ठीक है, टेंट लगाने के बाद सब ओके हो जाता है। बारिश वारिश का तो अभी मौसम नहीं है, तो एक ही बार में मिल गया। और ये भी मैं देख सकते हैं कौन सा पेट्रोल पम्प है, नायरा का पेट्रोल पम्प। नायरा जो पेट्रोल पम्प है आलिया भट्ट का है, यहाँ पे किसी भी, कोई भी ट्रक व्रक को रुकने नहीं देता है, कुछ भी नहीं करने देता है। बहुत जगह पर मैंने पूछा, इस वाले पेट्रोल पंप पे रुकने नहीं दिया, लेकिन मैं चल रहा था तो फिर सोचा कि पूछ लेते हैं, शायद दे दे, तो मिल गया, तो यहीं पे रह लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाने के लिए 1/2 किलोमीटर इधर उधर जाना पड़ेगा, तो चलते हैं, खाना वाना का देख लेते हैं। ऐसे 6:01 हुआ है और यहाँ पे मैं एक मार्केट में आया हूँ, देख सकते हैं ये मार्केट गाँव का मार्केट है, बहुत अच्छा लग रहा है गाँव का मार्केट। थोड़ा सा डिफेंस देखने के लिए मिला, वो मैं थोड़ा सा पेट्रोल पंप से अंदर आ गया, उधर ऑप्शन था नहीं मेन रोड पे, मेन हाईवे पे, तो अंदर में आ गया। यहाँ पे एक होटल है, होटल का नेम और बोर्ड आप पढ़ सकते हैं, कुछ समझ ही में नहीं आता है। बाकी इशारा से चलते हैं, खाते पीते हैं, इडली वगैरह या जो कुछ मिलता है खा लेते हैं। रेट कम ही होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो चुका है, सवेरे से 220 रुपये के आसपास में हो चुका है। चलते हैं अंदर, खाते हैं। तो ये कुछ मिला है इडली
आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 6 रुपीज पर पीस है, तो कुछ तो राहत मिला। मार्केट में 10 रुपया मिल रहा था, इधर आए अच्छा है, वहाँ 30 रुपया का और खाना हो गया तो 250 रुपया आज का हो जाएगा, खा लेते हैं। और कुछ बिस्किट वगैरह भी खरीद के रखे हैं क्योंकि 10 बजे से पहले तो सोना नहीं है, वीडियो वगैरह एडिट करना है, उसमें भी कुछ भूख लगेगा ही, बहुत खर्चा होता है यार। टेबल विदाउट मेरी लोग जो हेल्प करते हैं वही काम देता है पैसा, खाना पीना कर देते हैं कभी कभी वो तो अच्छा रहता है, लेकिन पैसा दे देते हैं तो वो इस समय काम आता है, आप देख ही सकते हैं। तो गाइज मैं आ चुका हूँ अपने टेंट के पास पेट्रोल पंप में, आप देख सकते हैं कि ये वाला पेट्रोल पंप है नायरा का, बहुत ही बढ़िया रहता है नायरा का पेट्रोल पंप। और यहाँ पे मैंने अपना टेंट लगाया है, कुछ कपड़ा सूखने के लिए दे दिया है, और वहाँ देख सकते हैं मेरा साइकिल लगा हुआ इधर है। तो आज का जो स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, आज का क्या हुआ, खर्चा आज ज़्यादा हुआ है। सबसे पहले सवेरे सवेरे मैं चाय पिया, वहीं पर शॉपिंग लगा, लेमन टी पिया उसका 15 रुपया लगा, और चॉकलेट वॉकलेट लिया तो 20 रुपया तो सवेरे खर्चा हुआ। उसके बाद फिर एक जगह नाश्ता करने के लिए रुका, वहाँ हो गया धोखा, 20-30 रुपया समझ के मैं गया और 90 रुपया का बिल बना दिया, 2 पूड़ी और 2 बड़ा देकर। तो आपने तो ब्लॉग में देखा ही, वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, वही सबसे ज़्यादा खर्चा हो गया। उसके बाद फिर एक बार भोजन किया, उसका 100 रुपया लगा, तो हो चुका सवेरे से 220 रुपया। उसके बाद मैं फिर रात में साइकिलिंग करते रहा, रात में फिर एक बार और खाना खाना था तो गया खाना खाने, इडली वगैरह खाया, वहाँ थोड़ा सस्ता मिला तो वहाँ पे भी 40 रुपये का बिल बना, उससे कम में तो पेट नहीं भरा। तो आज का जो टोटल खर्चा है 300 रुपया हो गया दोस्तों, बहुत ही महंगा पड़ गया, खाना वाना का कुछ देखना पड़ेगा। और आज का जो टोटल डिस्टेंस है वो मैंने मीटर के अनुसार आप देख सकते हैं 115 किलोमीटर किया, क्योंकि मीटर में फिर खाना खाने के लिए भी कुछ किलोमीटर इधर गया फिर उधर गया, तो इस वजह से इसमें पूरा रिकॉर्ड हो जाता है। तो ये रहा मैप, लोकेशन के अनुसार आप देख सकते हैं अभी मैं जहाँ हूँ और कल जहाँ रात में रुका था, वो डिस्टेंस आप देख सकते हैं 90 किलोमीटर का है, 90 किलोमीटर ही मान के मैं चलता हूँ, ये सब चीज़ को छोड़ता हूँ। तो आज का डिस्टेंस रहा 90 किलोमीटर, खर्चा तो मैंने आपको बता ही दिया। और तो ये था आज का कुछ स्टोरी। और दोस्तों मैंने क्या डिसाइड किया, करूँगा या नहीं, दोस्तों मैं करूँगा, ऑल इंडिया राइड करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर जगह पर है, यहाँ भी है, घर पे भी है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही है, इसको मिशन को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, मिशन पूरा होना चाहिए, मैंने यही डिसाइड किया है। अब चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो पूरा तो कर लेंगे। रुकने के लिए ही मैं गलती करता था कि सवेरे नहीं ढूंढता था, अब 5 बजे ही आसपास में ढूंढ लूँगा जगह, आज भी 5 बजे ही मिल ही गया था, आपने देखा ही। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरा कुछ हो पाए। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, बाय।